खाने में आकर चंद चुटकुल पांडे, हम उन्हीं को ठोकते हैं जो कि जरूरत से ज्यादा भोगते हैं। दोस्तों, आपका फिल्मी मीडिया चैनल में स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सलमान खान, किच्चा सुदीप, सोनाक्षी सिन्हा और सई मांजरेकर स्टारर फिल्म दबंग 3 के चौथे दिन के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में। उससे पहले दोस्तों, अगर आप फिल्मी मीडिया चैनल पर पहली बार आए हो तो फिल्मी मीडिया चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को लाइक भी कर दे। तो दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, आपको बता दूं कि इस साल की मोस्ट अवेटेड फिल्मों में से एक सलमान खान की दबंग 3 सिनेमा घरों में लग चुकी है। फिल्म रिलीज से पहले कयास लगाए जा रहे थे कि दबंग 3 बम्पर ओपनिंग करेगी और पहले दिन 40 करोड़ तक का कारोबार कर सकती है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ और फिल्म 40 करोड़ के आंकड़े तक नहीं पहुँच पाई। इस वक्त देश में जगह जगह नागरिकता संशोधन एक्ट के खिलाफ चल रहे प्रदर्शन का असर भी फिल्म के बिजनेस पर देखा जा सकता है। फिर भी सलमान खान ने दबंग 3 से अपनी ही कई फिल्मों का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। प्रभुदेवा के निर्देशन में बनी इस फिल्म से सलमान ने अपनी ही 7 फिल्मों के फर्स्ट डे कलेक्शन के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया है। इसमें दबंग 1, वीर, रेडी, बॉडीगार्ड, दबंग 2, जय हो और ट्यूबलाइट जैसी फिल्म शामिल है। सलमान खान की दबंग 3 की बजट की बात करें तो इस फिल्म का बजट लगभग 100 करोड़ रुपए बताया जा रहा है। अगर बात करें दबंग 3 के पहले दिन के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में तो दबंग 3 पहले दिन 24 करोड़ 50 लाख रुपए की कमाई करने में सफल रही है, जबकि दबंग 3 दूसरे दिन सभी भाषाओं को मिलाकर 24 करोड़ 75 लाख रुपए का कारोबार किया। अगर बात करें दबंग 3 मूवी के तीसरे दिन यानी अपने रिलीज के पहले रविवार के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में तो दबंग 3 रविवार को लगभग 29 करोड़ रुपए की कमाई की। वहीं अगर बात करें दबंग 3 मूवी के चौथे दिन के कलेक्शन के बारे में तो अभी तक जो ऑक्यूपेंसी रिपोर्ट आ रही है उसके मुताबिक दबंग 3 चौथे दिन लगभग 10 करोड़ 35 लाख रुपए का कारोबार करती हुई नजर आ रही है। तो इस तरह से दबंग 3 की 4 दिन की इंडिया नेट कलेक्शन 88 करोड़ 25 लाख रुपए पहुंच जाती है। वहीं अगर बात करें फिल्म के वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में तो दबंग 3 का 4 दिनों की वर्ल्ड वाइड कलेक्शन 138 करोड़ रुपए हो जाता है। अगर ओवरसीज कलेक्शन की बात करें तो दबंग 3 का 4 दिन की ओवरसीज कलेक्शन लगभग 34 करोड़ रुपए हो गई है, जबकि 4 दिन की इंडिया ग्रॉस कलेक्शन 104 करोड़ रुपए हो चला है। दोस्तों, आपको बता दूं कि अगले हफ्ते बॉक्स ऑफिस पर अक्षय कुमार और करीना कपूर स्टारर फिल्म गुड्जूज रिलीज होने जा रही है, जो दबंग 3 को कड़ी टक्कर दे सकती है। ऐसे में इस मूवी को बॉक्स ऑफिस पर अभी भी काफी मेहनत करनी होगी। दोस्तों, आपको बता दूं कि दबंग 3 की कहानी चुलबुल पांडे के अतीत के बारे में है। फिल्म में सलमान खान एक बार फिर चुलबुल पांडे का किरदार निभा रहे हैं। इस बार उन्हें पहले से युवा दिखाया गया है। दोस्तों, आपको बता दूं कि एक्ट्रेस सई मांजरेकर ने इस फिल्म से अपना डेब्यू किया है। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करती हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और दोस्तों, अगर आपने दबंग 3 मूवी देख ली हो तो आप हमें कमेंट करके बताएं कि आपको दबंग 3 मूवी कैसी लगी और साथ ही साथ आपको किसकी एक्टिंग सबसे ज्यादा अच्छी लगी। हमें आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। दोस्तों, अगर चैनल पर पहली बार आए हो तो फिल्मी मीडिया चैनल को सब्सक्राइब कर ले। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।